अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी जो है सबसे पहला काम ये है कि इनका दाना चेंज करना है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने खा लिया और अभी थोड़ा सा ही रह गया, बाकी जो है सारा उसके अंदर छिलके वगैरह हैं। तो जल्दी से जो है अभी इसको साफ़ करना है और इनका पानी भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो है केज के अंदर गर्म होता है, मतलब के अंदर से, तो उसी वजह से जो है पानी भी गर्म हो गया होगा। तो इनको अभी पानी भी नया डाल देते हैं और जो है इनका दाना भी चेंज कर देते हैं जल्दी से। और बाकी जो हमारे रिंगने के यहाँ ऊपर बैठे रहते हैं पूरा दिन, दोनों इसी स्टिक पे बैठते हैं, नीचे नहीं आते। और अच्छा है जो है स्टिक ऊपर लगा दी है, क्योंकि जो है नीचे बैठे होते थे तो डरते थे, हम लोगों को देखते थे तो डरते थे, अभी ऊपर है तो कम डरते हैं और दाना पानी निकालते हुए भी नहीं डरते। तो आज जो है मैंने इनके दाने में कंगनी भी मिक्स कर दी थोड़ी सी, और जो है अभी जाके इनको जल्दी से दाना भी रख देते हैं, और इनका पानी वहाँ पड़ा हुआ है वो पानी भी इनको जाके अभी रख देते हैं जल्दी से, और इसको यहाँ पे साइड पे रख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग इनको सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं। और अभी पानी ला के भी वहाँ से इनको जल्दी से मैं रख देता हूँ। पानी के लिए मैं ये बड़ा वाला बाउल लाया हूँ, क्योंकि जो है मौसम गर्म है तो ये जो है नहाते भी हैं, तो अगर इन्हें नहाना हुआ तो इसमें नहा भी लेंगे। अभी इनको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये फिर जो है ज़्यादा देर रहेंगे तो डरना शुरू हो जाएंगे वापस से हम लोगों से। और इनको भी जो है पानी रख दिया था और पानी ने भी गंदा कर दिया, तो अभी वैसे भी थोड़ी देर में इनको खोलना है तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो कल यहाँ पे कबूतरी बैठी हुई थी, आज दोबारा अभी सुबह बैठी हुई थी, पता नहीं अंडा देना या ऐसे ही बैठती है, मेरे को समझ नहीं आ रही। और अगर अंडा दे भी देती है तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो अनफर्टाइल होगा और जो है ख़राब होगा, मतलब कि टूट भी जाएगा, फ़ायदा नहीं हो। वैसे ही उनको इनकी बीट नहीं करती सही, जब उनको खोले तो वो बाहर आके उड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं सारे। और ये वाला कबूतर जो है रोज़ यहाँ पे जब भी खोलो ना इधर बैठा होता है, बाकी की ये रहे सारे कबूतर। और एक दाना ये नया है वाइट वाला, छोटी जोन में। और एक दफ़ा जाके अभी चेक कर लेते हैं बच्चों लोगों को, किसी ने अंडा वगैरह तो नहीं दिया। उसके बच्चे नहीं दिखे। एक दफ़ा मैं जाके काले वाले के बच्चे चेक करता हूँ, और वो जो है आज वो अपने अंडों पे बच्चों पे बैठी हुई है, वरना जो है मेल ही बैठा होता ज़्यादा। इसके बच्चे मेरे को नहीं दिख रहे, एक दफ़ा मैं जाके इसके बच्चे चेक कर लेता हूँ। ओहो, इसका बच्चा सही है। और दूसरा अंडा जो है अभी तक वो नहीं हुआ, एक दफ़ा मैं इसको सीधा कर दूँ बेचारे को, और बाहर चलते हैं क्योंकि डर रहे हैं। और इसके बच्चों को भी देख लेते हैं एक दफ़ा, ये पैर पूरा बाहर है। और इसके बच्चे देखो माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया, एक ही है इसका और दूसरा अंडा जो है इसका ख़राब है, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया ये भी। अभी चलते हैं एक दफ़ा आपके चूज़ों को देख लेते हैं और अंदर जाकर इनको भी देख दे। चूज़ों को तो मैंने दाना डाल दिया था, अभी तीनों यहाँ कोने बैठे थे और अभी यहाँ पे घूम रहे हैं। दाना इनने आज जो इनकी फीड थी सारी ख़त्म कर दी है, थोड़ी सी भी छोटी पैर जितनी पड़ी सारी ख़त्म कर दी है। पानी इनका केज के अंदर ही पड़ा होता है तो जो है फ़िलहाल वो साफ़ था, तो उसको भी छोड़ देते हैं, ऐसे ही चेंज नहीं करते। और एक दफ़ा इनको भी अंदर जाके देख लेते हैं। और फिंच ने जो है अभी अंदर अपने अंडों पर बैठी हुई है, और इसका जो एक अंडा था उस पर थोड़ा सा क्रैक था, तो इसने जो है उसको वहाँ नीचे फेंक दिए। अगर आपको दिख जाए ये देखो, ये अंडा इसने अपना नीचे फेंक दिया है, और बाकी जो मैंने उस वाले पेयर का एक अंडा यहाँ पे रखा था ये उसके ऊपर बैठ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो अभी एक मसला ये है कि इसके बच्चे 12 से 15 दिनों में निकल जाएंगे, लेकिन उस अंडे के अंदर इसको जो है देर तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि 21 दिनों में उसका बच्चा निकलेगा। अगर निकल गया तो हम लोग उसको हैंड फीड के लिए बाहर निकाल लेंगे। और बाकी जो है मेरे को लग रहा है ये भी ब्रीड पे जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि इसकी मादी भी अभी मटकी में जाना शुरू हो गई है ज़्यादा, और इसका मेल भी जो है फीमेल को बार बार मटकी की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को लग रहा है ये भी ब्रीडिंग के मूड में। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी इनका कुछ टाइम इंतजार करते हैं। और इसको भी सुबह से खोला हुआ था, इसको मैंने थोड़ी देर पहले बंद किया, नीचे गया हुआ था ये, और जो है अभी इसको मैंने बंद कर दिया। और इसका मेल जो है ये रहा डर के बॉक्स में चला जाता है, और फीमेल वो बैठी हुई है। और इसका पानी देखो काफ़ी गंदा हुआ है, और मेरे को लग रहा है ये जो है नेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो है सारी नेस्टिंग इनके बाउल वगैरह में पड़ी हुई है, तो या तो ये नेस्टिंग अंदर लेके जा रहे हैं या अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, एक है कुछ। तो अभी इसका पानी जो है जल्दी से चेंज कर देते हैं।
और बाकी का भी देखे थे किसी का पानी चेंज करना है तो नहीं, इसका पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसका भी चेंज करना है। और बाकी के पास तो पड़ा हुआ है, बाकी मिट्टू के पास भी है, बस इनके दो के पानी चेंज कर देते हैं जल्दी से। और इसके जो है दोनों बच्चे अंदर हैं, और इससे पहले बच्चों को कुछ नहीं किया, इनकी जगह चेंज हुई थी। और ये जो है मटकी में गई हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरे को लग रहा है ये भी ब्रीड पे आने वाले हैं, देखते हैं क्या बनता है। अभी जो है इसका भी पानी जल्दी से चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे जो है ये दोनों उस टाइम से लगातार लड़ रहे हैं, तो जो है इनमें से एक को उधर भेज देते, दोनों जा रहे हैं। यार ये कबूतर पता नहीं क्या चाह रहे, पहले उस वाले से लड़ रहा था, अभी से लड़ रहे। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।